इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और बीसीसीआई ने आईपीएल 2017 के शेड्यूल में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को देखते हुए कुछ छोटे से बदलाव किए हैं। दरअसल 22 अप्रैल 2017 को दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होना है, जिनके चलते दिल्ली डेयर डेविल्स, मुंबई इंडियंस, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के एक एक मैचों में बदलाव किए गए हैं। पहले के शेड्यूल के मुताबिक 22 अप्रैल को दिल्ली डेयर डेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच 4 बजे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में और सनराइजर्स हैदराबाद और पुणे सुपर जायंट्स के बीच 8 बजे पुणे के एमसीए स्टेडियम में मैच होना था, लेकिन अब नए शेड्यूल के हिसाब से 22 अप्रैल को दिल्ली डेयर डेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 8 बजे से शुरू होगा, तो वही सनराइजर्स हैदराबाद और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच होने वाला मैच पुणे के एमसीए स्टेडियम में 4 बजे से शुरू होगा। मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच 6 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला मैच अब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में शाम 8 बजे से शुरू होगा। बीसीसीआई ने संबंधित फ्रेंचाइज और एसोसिएशन को यह निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यूज रिपोर्ट, MY एंटरटेनमेंट्स।